हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, मैंने अभी धमाल धमाल चैनल देखे हैं, क्रिकेट का तुम। आई होप दैट यू आर फाइन। ऑस्ट्रेलिया जी फर्स्ट टेस्ट का स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया की जी, जो कि पहला टेस्ट के लिए है। पैट कमिंस होंगी जी कैप्टन, स्कॉट बोलैन, एलिस केली, कैमन ग्रीन, जॉर्ज हेजलवुड, ट्रेविस हीड, उस्मान खाजा, मार्नस निमिसानी, नैथन लाइन की वापसी हुई, मिचेल मार्स होंगे, उसके बाद मॉरिस होंगे, स्टीव स्मिथ होंगे, फिर मिस स्टार्क होंगे, फिर डेविड वार्नर होंगे। ये सिर्फ से एक पहला टेस्ट मैच की स्क्वाड है, बाकी जो दो टेस्ट मैचेज हैं मेलबोर्न और सिडनी में उनका भी ऐलान होगा। बाकी क्या पता यही स्क्वाड मिलता जुलता हो। तो ये स्क्वाड है ठीक है जी। पैट कमिंस कैप्टन होंगे, जो कि वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की थी। और आपको बता दूँ कि ये जो डेविड वार्नर हैं, ये इनकी ये लास्ट सीरीज है, अपने होम ग्राउंड के सामने खेल रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत बैट्समैन हैं, बहुत से ऐसे बैट्समैन होते हैं, प्लेयर्स होते हैं जिनको अपना आखिरी मैच खेलने की नौबत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पाकिस्तान में आप देख लें, मोहम्मद आमिर रिटायर, वहाब रियाज रिटायर, उसके बाद सुहेल खान, सुहेल तनवीर, फिर मोहम्मद आमिर, फिर इमाद वसीम, फिर ये 2 दिन पहले असर शफी ने भी रिटायरमेंट दे दी। उसके बाद अजहर अली तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अजहर अली ने भी अपनी यानी कि लास्ट टेस्ट सीरीज खेली है। लेकिन मैं वही ना, कुछ ज़्यादातर तो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीरीज नहीं खेली आखिरी। प्लेयर हमारे बस बड़े बदकिस्मत हैं इस मामले में। इमाद वसीम को देख लें, यार मतलब आप इमाद वसीम को देख लें। मैं तो जो बात हो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्क्वाड की हो रही है, लेकिन वो डेविड वार्नर से मुझे याद आ गया कि इनकी ये लास्ट सीरीज है, अपने ही होम ग्राउंड में खेलेंगे, अपने मतलब यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही खेलेंगे, और यादगार तो बनाएगा। ये बंदा बड़ा अच्छा प्लेयर है ये। तो उम्मीद करना आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।